मोदी की गांठी है, अपने घर मत जाओ, रोडन में पड़े रहो, ठंड में मरते रहो, रजाई मत ओढ़ो, ये मोदी जी की गांठी है। सब बड़े पत्रकार मोदी जी के चपेट लाओ, बताओ 4 महीनों से तुमने वाले की बात सुनी हो, मोदी जी की तो कैसे, मोदी जी का है बंद कर दो मीडिया, ये सारे की मत सुनो, ये सारे ने बेबस का मारन दो, पुलिस पे पिटन दो। हमने भी वोट दी थी, ऐसी बात नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे, वोट दी थी जभी तो जीते, वोट दी थी हमने, पिछली बार वोट दी थी इन्होंने, हमें लॉलीपॉप दिया था कि हम आपका न्याय देंगे, ये दिया था, अब इस लॉलीपॉप को बार बार थोड़ी चलेगा, क्यों खड़ी कर रखी है बस, ये बस काय को लगाती है, क्यों रोकना चाह रहे हैं, अरे जान देना संसद तक, हमको लट्ठ बजाने थोड़ी जाएगा भाई, क्या हमारे हाथ में, जेल भरो आंदोलन करेंगे, हम क्या दिक्कत है, जब कसम खा के घास वाले करें तो बेटा काय को जेल में कौन जाए, कुत्ते बिल्ली जावे, जेल बनाई आदमी को आप बनाई थे, अरे भैया जेल बनाई थे बदमाशन हुई, पुलिस का अत्याचार है, बदमाश तो नहीं मिले लोग, किसान ने भर के अपने काम पूरा करेंगे, क्या करेंगे, हमारे बालक हमारे आगे फिर बढ़ा दिए, अब पुलिस हमारे आगे खड़ी करती, पुलिस तो आज कहाँ होती, पुलिस होती आतंकी के दौरे, पुलिस होती बॉर्डर पे, दुनिया की ताकत नहीं है जो हमारे रोक ले आज, किसी कीमत पर न रुके, एक ही तरह से रुकेंगे, कभी हमें सांस न रहेगा या शरीर में सांस न रहेगा तो रुकेंगे, क्या नाम धरा, नवीन ओपड़ा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, वो भूल गए पूरे गौतम बुद्ध नंगा की एक योजना बन चुकी है, हम कॉमन में नहीं पटन देंगे इनको, जो अपने भैया जो कुछ नुमाइंदे इनके साथ हो रहे हैं, जो इनके दलाल चाटू हो रहे हैं, उन्हें भी रोकेंगे, खुशामंद करेंगे, अरे हमने जिताई और वोट दी पिछली बार, आश्वासन दिया था इन्होंने, अरे भैया सुनो, हमने भी वोट दी थी, ऐसी बात नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे, वोट दी थी जभी तो जीते, वोट दी थी हमने, पिछली बार वोट दी थी इन्होंने, हमें लॉलीपॉप दिया था कि हम आपका न्याय देंगे, ये दिया था, अब इस लॉलीपॉप को बार बार थोड़ी चलेगा, एक बात दे चुके, हम झूठ नहीं बोलते किसान, हम झूठ नहीं बोलते, ईडीएम में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब केवल ये हमारा हक मिले, हमारा न्याय हो, नहीं होगा तो हम वोट नहीं देंगे, सूधी बात, सुरक्षित हाथों में कब है, सुरक्षित हाथों में जब है, जब मेरे बेटा, मेरे भाई, मेरे चाचा ताऊ फौज में, मिलिट्री में और पुलिस में, आपके सबके सामने यहाँ पर है, यहाँ पर है, जब ही देश सुरक्षित दिख रहा है, ये पुलिस प्रशासन है सुरक्षा के लिए, यू आज बॉर्डर पर होती जुलम की बात, इन मंत्री ने कहा लगाई है पुलिस, इन विधायक ने कहा पुलिस लगाई है, बड़े शर्म की बात है, इन किसानन पे पुलिस की जरूरत थी, अरे किसान की फरियाद तो आप आके सुनते, हम तो यहाँ से जब ये सुनने वाला जो कोई नहीं रहा यूपी में, जब दिल्ली को कूच करा, अगर मोदी जी जाके सुनावे और संसद में जाके बैठे, जब अब फिर तानाशाही दिखाती, हमारे बालक हमारे आगे फिर बढ़ा दिए, अब पुलिस हमारे आगे खड़ी कर दी, पुलिस तो आज कहाँ होती, पुलिस होती आतंकी के दौरे, पुलिस होती बॉर्डर पे, हम ये भी कहना चाहते हैं, किसान भूखा मारने की कोशिश कर रहे हैं तो भूखा नहीं मरेगा, कमा के खाने वाले आदमी है, हम बाल करना पड़े हटा लेंगे पुलिस में से भी, जब देश की रक्षा देखे कैसे करवा लेंगे, पुलिस प्रशासन भी हमारे ही तो हैं, इन किसानों के बालक हैं, निगाह उठा के देख लो जहाँ से जाओ, एड्रेस आईडी ले लो इनकी सबकी, सब गाँवों से है और सब किसानों के बच्चे हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अधिक क्रोध में ना लावें किसान को, किसान अगर गौतम बुद्ध नगर का बिगड़ गया तो संभालने में नहीं आएगा, हम संसद में जा रहे हैं, हमें न रोके, संसद में जान दे, हमारी बात को सुना जाए, कहनता से विचार करा जाए, क्या किसान गलत है सही है, इनका 10% बनता है, इनकी आबादी बनती है, क्या उनका गलत वो अधिग्रहण कर लिया कि नहीं करा, क्या कोर्ट ने आदेश 10% का पहुँच का करा कि नहीं करा, क्या ये समानता का इनका अधिकार था या नहीं था, क्या ये बेबस किसान आए हैं या ये अंघाए आए, जो कहते हैं ना किसान अंघाए हैं, कुछ चाटुकार बता देते हैं ऐसे, उनकी गलतफहमी है, ये बेबस किसान है, तो फिर आंदोलन में हमें जाने का भी अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, दिक्कत आ रही है, पुलिस दिख ना रही तुम्हें, चौबंद छावनी बना रखी है तुम्हें, दिख ना रही बस खड़ी कर रखी है, जेल में बचाने को क्यों खड़ी कर रखी है बस, ये बस काय को लगाती है, क्यों रोकना चाह रहे, अरे जान दे ना संसद तक, हमको लट्ठ बजाने थोड़ी जाए काय पे, क्या हमारे हाथ में, तो चले जाएंगे जेल भरो आंदोलन करेंगे, हम क्या दिक्कत है, जब कसम खा के घास वाले करे तो बे डर काहे को, जेलन में कौन जा, कुत्ते बिल्ली जावे, गिदड़ा जावे, गाय भैंस जावे जेलन में, जेल बनाई आदमी को, बनाई तो, अरे भैया जेल बनाई तो बदमाशन कोई, पुलिस का अत्याचार है, बदमाश तो नहीं मिले ना, किसान ने भर के अपने काम पूरा करेंगे और क्या करेंगे, ये ड्यूटी निभा रहे हैं 10 रुपया ले रहे हैं,
सरकारें चाहिए कोई ना कोई जेल में जरूर। ये रोटी खवाएंगे 100 रुपए की, ये लिखेंगे 50,000, वहां पर दलाली चलेगी इनकी। जेल में जो रोटी खवाएंगे ना, रोटी खवाएंगे 1 लाख की, ये लिखेंगे 20 लाख का खर्चा। यू काम हो पुलिस का, ये तो ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिस का काम हो किसान रोक है, पुलिस का काम हो बदमाश रोक है, आतंकी रोक है। पुलिस किसान की सुरक्षा करे, महिलाओं की सुरक्षा करे, महिलाओं पर लट्ठ बजाने का पुलिस का काम नहीं है। ट्रैक्टरों का, किसानों का पंचे करने का किसान का काम पुलिस का काम नहीं है। घरन बचाए के छापे मार के ऐसे दबिश डालने का किसान का नहीं है। हमका चोट अगैत नहीं है, हमको रातू खोज हो गया, पर हमने कसम खाई थी कि हमें रोड पर आना है, हमें सुनाना है, अपनी बात की फरियाद करनी है। हम जाके रहेंगे जी, या तो हमारे बीच में आके हमें को लिखित में दे दो, हम अपने धरना पक्ष चले जाएंगे। हमारा अगर आला सुखवी खलीफा जी जैसा आदेश होगा हम वैसे करेंगे। दुनिया की ताकत नहीं है जो हमें रोक ले आज, किसी कीमत पर न रुके। एक ही तरह से रुकेंगे, जब हमें सांस न रहेगा या शरीर में सांस न रहेगा तो रुकेंगे, वरना बिल्कुल नहीं रुके। कितना टाइम बर्बाद कर लो, कितनी फोर्स बढ़ा लो, ड्यूटी उनकी हो सकती है ना, अपनी ड्यूटी निभाएंगे। वो बेबस है, पुलिस प्रशासन बेबस है, क्या करे, बच्चे पालने, उन्हें ड्यूटी करनी है। हमारी ड्यूटी, हमारी ड्यूटी, हम कसम खा के निकले, अपनी आवाज बुलंद करनी है हमें, हमें अपनी आवाज दबानी नहीं है, हमें अपना हक लेना है। हक की लड़ाई है बहन जी, बिना हक के हम नहीं चलते। सच्चाई की बात है, बिना सच्चाई के नहीं चलते। किसान को साबित नहीं कर सकते कि ये झूठे हैं। कोई माई का लाल पैदा हो नहीं है जो यू कहते हैं कि ये झूठे हैं। क्यों, मांग थोड़ी है, मांग अलग चीज होती है, कॉल अलग चीज होती है। हमारा हक के दावे पड़े, कितने लाख रुपए तो हमारे अब तक के ब्याज के बन जाते हैं। काई के घर बेटा छोड़ा, काई के बेटी छोड़ी है, काई पे रहने को घर नहीं है, सबको बर्बाद कर दिया है। इस अथॉरिटी बना के जा, क्या का नाम धरा, नवीन ओकड़ा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, वो भूल गए अनुनन्ना कम नाम धरा, वे यह नाम धरते नवीन ओकड़ा विनाश प्राधिकरण। इसका नाम होता विनाश प्राधिकरण। इन्होंने हवा बर्बाद करी, वायु बर्बाद करी, हमारी जल बर्बाद करा, हमारे घर बर्बाद करे, हम सब बर्बाद कर दिए और रोड पर ला दिए। आके किसान को कम, अरे रोडन पर तो बिल्डर होते है, और किसान होता खेत में। आज खेत में तो बिल्डर खड़े हो, और किसान को खड़े पड़े, खड़े नहीं है पड़े, कहाँ रोड पे। लेकिन मेरी मात शक्ति भी पड़ी है, तुम सबले पत्रकार मोदी जी के तो पिल्लाओ, बताओ 4 महीनों से तुमने हमारी एक ही बात सुनी हो, मोदी जी की तो कैसे हो। मोदी जी कहेगा बंद कर दो मीडिया, किसान की मत सुनो, किसान ने बेबस कह का मारन दो, पुलिस पे पिटन दो, इनके हार्ट कटन दो, इनका 1 रुपया भी मत लेने दो। किसानों को सबसे बड़ी जाति बताते हैं। अरे किसान जाति जो है अन्नदाता है, सबसे बड़ी जाति है। इनका घमंड दूर तो जब होगा जब वोट की चोट लगेगी। अब तो ये जो कहते हैं हमारे तो इंजीनियर फ्लैटन में ला के देश विदेश हम सुझाव बसाती है, वही हमें वोट दे देंगे। इनके भ्रम है भैया बात का, हम यहाँ भ्रम में आने वाले नहीं है, अब के मानने वाले नहीं है। या तो हम जब समय जैसा आता रहेगा हम ऐसे काम तो करते रहेंगे। मोदी जी की तो गारंटी चल रही है। गारंटी काय बात की, रोटी मत खाओ, नहीं मोदी जी की गारंटी है कि रोटी मत खाओ, अपने बाल करने मत पालो, मोदी जी की गारंटी है अपने घर मत जाओ, रोडन पे पड़े रहो, ठंड में मरते रहो, रजाई मत ओढ़ो, ये मोदी जी की गारंटी है। फिर दोबारा सुनो, मोदी जी की गारंटी, बिना पैसा के कंगाल रहो, घासू बेहाल रहो, बालकन की फरियाद मत सुनो, तरस तरस के बच्चे न मार दो, हक अपना मत मांगो, और रोडन पे आ जाओ, अताई सुनने वाला कोई नहीं। अरे इन्हें माल खवाओ, जितने मैंने अधिकारी बना रखे सब मौज मारे और माल खाए, ये मोदी की गारंटी। मान्यवर हम तो लखनऊ भी जा चुके हैं, हमने अपना IDC मनोज सिंह से भी कह आए हैं, किसान की ये भी बताए हैं कि आबादी कैसी है, लिहाजा इनकी आबादी को छोड़ दिया जाए। हमारी आबादी ऐसी है, इन्होंने बिना विचारे घर पर बैठकर हमारा अधिग्रहण कर लिया नोएडा का। वो गलत तरीके से हुआ, इन्होंने मान भी लिया गलत तरीके से हुआ। जब गलत तरीके से हुआ है तो समाधान तो हर चीज का है, तो समाधान क्यों नहीं कर पा रहे भाई। हमारा जो हक है, हमारे घर है, वापसी हमारे नाम हो जाए। अगर गलती हो जाती है मनुष्य और सरकार गलती मानती है तो गलती को सुधारे और गलती तो देखो मोदी लाइए। समय और टाइम का वो तो वक्त बताएगा मोदी लाएंगे किसको लाएंगे, परंतु समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये पुलिस प्रशासन का समय बर्बाद हो रहा है,
किसानों का समय बर्बाद हो रहा है, जनता का सबका समय बर्बाद हो रहा है। किस कारण से हो रहा है? केवल इनकी छिछोरा राजनीति से। ये जो यहाँ गद्दार नेता, जो गद्दार रिश्वतखोर ऑफिसर बैठे, उनकी वजह से। अगर कानून धर्म का बन जाए और सच्चा बन जाए और मजदूर किसानों की आवाज को सुना जाए, इनको बेबस नहीं करा जाए, तो ये खाने कमाने में लगे अपने में, अपने पर लगाम तो लगा रहे हैं मोदी जी। देखो कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, उठा के देख ले। अथॉरिटी के अधिकारी ने कसम जो खा के आके बैठे, अथॉरिटी के इतिहास उठा के देख ले वे, और उन्हें पूछ ले, इन पर CBI जांच करे और सब कुछ जांच करे कि कितने आदमी उसमें है, कितने आदमी है अथॉरिटी के भ्रष्टाचार कर रहे हैं क्या? अब बहुत ज्यादा घोटाले अपने पाए यादव जैसे ने, जो घर भर के कह दिया, कितने आदमी है, कितने आदमी है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन्हें देखे ना जाके आए हैं, हाथे बनवा दिए। अच्छा इतने बनते हैं क्या 150 का मंकी पब्लिक? आधे भी नहीं है, घर से उठाए हैं कुछ वहां पहुंचाए। देखो पुलिस प्रशासन की कोई गलती नहीं है, पुलिस प्रशासन की ड्यूटी है, उन्हें नौकरी करनी है, नौकरी करेगी तो अपनी करेंगे, मजबूर है, हमने कह दिया आप अपनी ड्यूटी करें, जैसे भी बनता हो आप अपनी रोजी रोटी ना खाओ, बिल्कुल ना खाओ मैं, क्योंकि आपको भी अपने बच्चे पालने। ये पुलिस प्रशासन में सब हमारे तो बालक है, किसानों के बालक है, ये बच्चे पाले अपने खूब बेबस तरीके से, क्यों इनकी मजबूरी हो सकती है? किसान तो बेबस है और मजबूर है, हमें तो मरना ही मरना,